उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाया कि राय वाले सुन्नतों के दुश्मन होते हैं हमेशा। राय वाले कौन होते हैं सुन्नतों के? कौन होते हैं? सुन्नत के दुश्मन। और कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि बाद लोग होते हैं उनके सामने सीरत नहीं, उनके सामने सुन्नत इखलास भरा हुआ होता है, दीन के खातिर मर मिटने का जज्बा होता है, अल्लाह उनसे कुछ काम ले, कुछ राय तजर्बे मिला मिला के वो काम करते रहते हैं, उन्हें अपने इस राय और तजर्बे पर चलते चलते नफा बार बार मिलता रहता है, तो समझते हैं कि बस यही उसको जाती राय और जाती तजर्बे यही उसको इसको उसूल का दर्जा नहीं होता। फिर अचानक उन्हें इल्म मिलता है, सीरत की रोशनी में कोई बात मिल जाती है, हदीस मिलती है, तो वो थोड़ा सा झिझकते हैं और वो अपनी अकल और राय और तजर्बे की कसौटी पर हदीस और सुन्नत को परखने लगते हैं, और जो बात उनके अकल पर उतरती है और जो सीरत और सुन्नत हदीस की बात है उनके अकल पर उतर जाए उसे तो कबूल कर दे, और अगर अकल में उतरती नहीं तो फिर सुन्नत को रद्द कर देते हैं। क्या करते सुन्नत को रद्द कर देते, सीरत को छोड़ देते, होना ही चाहिए कि सुन्नत और सीरत को असल कसौटी बनाकर अपने जातीय राय और तजर्बे जो इतने जमाने से हम करते आ रहे हैं उससे सुन्नत पर पेश करना चाहिए, इस पर पेश करना चाहिए, सुन्नत पर पेश करना चाहिए। इसलिए दावत की सुन्नतों में हम ऐसे ही पाबंद हैं जिस तरह खाने पीने की सुन्नत में हम पाबंद, नमाज की सुन्नतों में हम पाबंद, दावत की भी सुन्नत है। लोगों ने समझ लिया दावत तो आम तहरीकों की तरह एक तहरीक है जो जमाने और हालात और जाती तजुर्बे और राय की बुनियाद पर चला करे। ये सबसे बड़ा धोखा लगा काम करने वाला, इसको लगा इसको धोखा लगा काम करने वाला। हवाले सुन्नत सीरत के नहीं देते, हवाले अपने जैसे तजुर्बेकार और हवाले अपने जैसे कुछ कुर्बानी देकर जाने वालों को दे दिया करते। हालांकि मौलिया साहब रहमतुल्लाह तक ये फरमा चुके कि मेरी बातों पर आंख बंद करके अमल मत किया करो, बल्कि मेरी बातों को कुरान हदीस में पेश करो, जो बात कुरान हदीस के मुआफिक हो उसे लो और जो उसके खिलाफ हो उसे दीवार पर दे मारो। ये दूसरे की क्या इसे दूसरे के लिए क्या गुंजाइश है? क्या गुंजाइश है? दावत की अहम तरीन सुन्नत है और वो तरबियत का यकीनी सबब है। इन लोगों को बाजारों के माहौल से और गफलत के माहौल से और मुनकर के माहौल से निकाल कर लाओ, जो साहबा के कश्मों का मौजू था, साहबा की मुलाकातों का खुलासा था। और जब मेहनत करो बाहर बाजार में मुलाकातों के जरिए से, गश्तों के जरिए से, उस वक्त अपनी मस्जिद को आमाल से खाली मत छोड़ो, अपनी मस्जिद को आमाल से खाली मत छोड़ो। ये उम्मत की तरबियत का और उम्मत के जहर से निकलने का कयामत तक के लिए मसनून तरीका है। हमारे इस काम का मकसद ही है कि उम्मत को इज्तिमाई तौर पर गफलत और मुनकर के माहौल से निकालकर मस्जिद के अंदर ईमान और आमाल और इल्म के माहौल में और हलकों में लाकर बैठाना, ये उम्मत की तरबियत का कयामत तक के लिए मसनून तरीका। हजरात साहबा बावजूद के ईमान वाले उसके बावजूद एक दूसरे को दावत देते कि आओ बैठो थोड़ी देर, उठाते हाथ पकड़ पकड़ करके एक दूसरे को और बिठाते और कहते आओ थोड़ा सा बैठ के ईमान का लगा, आओ बैठो थोड़ी देर ईमान। इसके मौलाने उन्वान कायम किया ईमान की मजलिस, कौन सा उन्वान? ईमान की मजलिस, ताकि कयामत तक लोगों को मालूम हो जाए ईमान कहीं भी नहीं बन जाता बल्कि ईमान बनाने के लिए ईमान की मजलिस है और वो भी मस्जिद के अंदर, ईमान बनाने के लिए ईमान की मजलिस है और वो भी मस्जिद के अंदर। ये ईमान बनाने और ईमान में तरक्की और गलत यकीन के दिल से निकालने का यकीनी सबब है। हजरत मौलाना यूसुफ अली फरमाया करते थे इस काम के अंदर पहला कदम और पहला जीना यह है कि हर मुसलमान के दिल की गहराई में इस बात का यकीन उतर जाए कि मेरे हर छोटे बड़े रिश्ते का हल मस्जिद के अंदर रखा,
ایسے مسلمان اپنے ہر مسئلے کو لے لے کر دوڑ دوڑ کر کے مسجد کی طرف آئے جس طریقے سے آج مسلمان دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. یقین کی خرابی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یقین کی خرابی کی وجہ سے جو چکر قرن اول میں مسلمان مسجد کی طرف دوڑ لگانے میں لگاتا تھا, آج وہ مسلمان دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا زمین و آسمان کے درمیان پیش آنے والے ہر چیز کو مسجد سے جوڑا, کیونکہ اس کا تعلق زمین اور آسمان کے درمیان پیش آنے والے سارے حوادثات کا تعلق براہ راست اللہ کے قدرت اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے. جب اللہ ناراض تو پھر سورج گرہن, چاند گرہن, تیز ہوائیں, آندیاں, طوفان, بارش کا رک جانا یا تیز بارش کا برس جانا یا آگ کا نکل کر کے آ جانا, اب ایک ہی راستہ اللہ کو راضی کرو, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہ آ کے چلنا. اس وقت تک بس ہٹو مسجد سے, نماز سے, جب تک یہ حالات صحیح نہ ہو گئے. یہ روایت تمہیں پیش کرا, کچھ نہیں ہوگا. ذرا سی تیز ہوا چل گئی, ذرا سی آندھی چل گئی, اللہ کے نبی اور صحابہ فوراً مسجد سے, اور اس وقت تک واپس نہیں جب تک ہوا موسم نہ ہو. سورج گرہن, چاند گرہن, اب چلے گئے نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, اس وقت تک نماز سے واپس نہیں آ رہے اور مسجد سے واپس نہیں آ رہے جب تک کہ حالت درست نہ ہو. آگ نکل گئی حرا گھاٹی سے, اب اسے بجھانے کے لیے نہ تو پانی جمع کیا جا رہا اور اسے بجھانے کے لیے نہ مٹی اکٹھی کی جا رہی, بلکہ آدمی پر بڑے اطمینان سے چل کر آ رہے ہیں مسجد کی طرف, جیسے آج کا مسلمان آگ بجھانے کے لیے, خطرناک آگ کو بجھانے کے لیے ٹپ ٹپ گاڑی اور پانی کی گاڑی لینے کے لیے تھانے جاتا تھا. یہ تھا حضرات صحابہ کا معاملہ. جب ایمان یقین بنے گا اپنے دل کے اندر, اس لیے کہتے ہیں مسجد تو یقین بنانے کے لیے, بازار جو ہے وہ یقین کے بگڑنے کی جگہ, مسجد یقین کے بننے کی جگہ اور بازار جی بگڑنے کی جگہ. حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی 24 گھنٹے اہل اللہ اور اہل علم اور اہل دین کے ماحول میں رہے, ذکر کے ماحول, علم کے ماحول, دین کے ماحول میں 24 گھنٹے, اس کے بعد تھوڑی سی ضرورت کے پیش نظر غیر اختیاری طور پر بنا چاہت کے مجبوری کے درجے میں کوئی چیز لینے کے لیے بازار سے گزر گیا, بس یہ غلطی ہوئی کہ چوتھا کلمہ پڑھنا بھول گیا, کہتے اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ. بازار کا ماحول ایمان سوز ماحول ہے. کیسا ماحول ہے بازار کا ماحول؟ ایمان کو بالکل ختم کرنے والا ماحول. ایمان بازار کا ماحول ہے, ایمان کو ختم کرنے والا. اس لیے صحابہ کامل ایمان ہیں اور پھر انہیں حکم دیا جا رہا اپنے ایمان کو تازہ کرو, اور پھر وہ حضرات صحابہ اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کے تذکرے کرنے کے لیے ایک دوسرے پر گش کر رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں, بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو مسجد میں, ہم اپنا ایمان تازہ کر رہے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے حضرات صحابہ نے سنت کر کے نکلا دی, معمول بن رہا. کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کو ایسا کرتا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے ہوئے دیکھے. اللہ کے نبی نے زندگی بھر حضرات صحابہ کے ایمان کو مسجد کے ماحول میں رکھا. باہر ملاقاتیں, باہر ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں, بلکہ باہر کی ملاقاتیں برائے مسجد ہیں. اس درجے میں ہم جائیں گے اور بات کریں گے کہ وہ آدمی تیار ہو کر فوراً مسجد کی طرف آئے. گیا رضی اللہ تعالیٰ بازار میں اور گھنے بازار میں انتہائی مشغولی کے وقت پر مارے بازار والوں سے, میں عاجز ہوں, کس چیز سے میں عاجز کر دیا؟ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ بول کہنے لگے اللہ کے نبی کی میراث مسجد میں تقسیم ہونے کے, یہاں بیٹھے یہ کہتے ہی اتنے سے بول بولے, بس دو بول, میں عاجز ہوں بولا اور فرمایا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب مت, بس 3-4 کلمات بولے, فوراً تشکیل ہوئی, سب کے سب بازار والے اپنے دکان خوشیار میں چھوڑ دینی چاہیے. یہ ملاقات کا خلاصہ, جبکہ مسجد میں پہلے سے ایمان یقین کے حل میں لگا چکے. پھر گیا امام الحدیثی نے حل کا بولے رہا بازار اور لوگوں کو نقد مسجد کی طرف روانہ کیا. ہماری تو ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا بھر کی ساری مسجدیں مسجد النبوی کے نقشے پر آ جائیں, اعمال دعوت کے اعتبار سے. اس اعتبار سے 24 گھنٹے مسجد کے اندر ایمان کے حل میں لگ رہے ہیں, علم کے حل میں 24 گھنٹے لگ رہے ہوں, ہر آدمی اپنا فارغ وقت مسجد کو دے رہا ہو, کیا کر رہا ہو؟ 8 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھی بات ہے, 8 گھنٹے کاروبار کے لیے, 10 گھنٹے کاروبار کے لیے بہت اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد جو گھنٹے آپ کے پاس, اس کے بعد والے گھنٹے نہ یاری میں, نہ میری میں, نہ تیری میں, نہ میری میں, نہ دیوانوں میں اور نہ چوپالوں میں, نہ ڈھابوں میں اور نہ ان چوراہوں میں,
खाली तो एक लम्हा गुजर गया, बड़ा यूं फरमाया करते थे मुसलमान का जो फारिग वक्त मस्जिद से बाहर गुजर रहा पूरी दुनिया में फसाद का जड़ ही हुई और कुछ से फरमाते थे इस चीज क्या फरमाते मुसलमान का जो फारिग कहां गुजर रहा मस्जिद के बाहर। और एक अजीब बात फरमाते थे कि अगर मुसलमान अपना फारिग वक्त अपनी अपनी मस्जिदों को देने लगे पूरी दुनिया के अंदर तो पूरी दुनिया से सारा बिगाड़ खत्म हो जाता। क्या और ये भी फरमाते थे अगर मुसलमान अपने आप को मस्जिद के ताबे कर दे बस अल्लाह उसके लिए निजाम कायनात को ताबे कर दे। वाह तो जुमले बड़े अजीब हो गए तो मुसलमान अपने आप को क्या कर मस्जिद के ताबे कर दे तो अल्लाह उसके लिए निजाम कायनात को क्या कर देंगे ताबे कर दे। जहां ये आलात के जरिए से आवाजें नहीं पहुंचा सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर आलात के इस मस्जिद में अपने आप को ताबे करने वाले की आवाज को अपनी कुदरत से पहुंचाए अल्लाह ताला आलात के भी मोहताज है। उमर रज़ी अल्लाह तआला को बात पहुंचानी है उस जमात तक जो छह महीने पहले मदीने से बाहर गई मिंबर पे बैठे हुए कह रहे या सारे अल-जबर अल्लाह के अल्लाह ताला ने बगैर किसी आलात उसी जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी मस्जिद में बैठे या सारे अल-जबर उसी आले वाहिद में वो आवाज उस जमात तक पहुंच गई जो छह महीने पहले मदीने से गई। बाकी शायद वो लोग कहने लगे अमीरुल मोमिनीन यहाँ सहाबा ने ताज्जुब से पूछा अमीर साहब ये क्या खुतबा दे रहे हैं और या सारे अल-जबर कहते नहीं मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो दुश्मनों के दर्जे में आ रहे थे दुश्मन उनके ऊपर पीछे से हमला करने वाले थे मैंने कहा फौरन पहाड़ के ऊपर पे चढ़ जाओ और वहां वो लोग वापस आए कहने का अमीर मोमिनीन जुमे का वक्त था खुतबे का वक्त था उस वक्त ठीक आपकी आवाज हमारे कान में पड़ी कि पहाड़ की तरफ हो जाओ और हम लोग पहाड़ की तरफ हुए और अंदाजे में फतेह से सवाल उम्मत ने भुला दिया मस्जिद की असल हैसियत क्या है सारे मसले मसाइल मालूम कि मस्जिद की शरीयत हैसियत क्या है ये मालूम है कि मस्जिदें नमाज के लिए बनी हुई है लेकिन ये मालूम नहीं है कि मस्जिदें तो मुसलमानों की तरबियत गाह है तालीम गाह है। हज मौना अबुल हसन अली नदवी यानी मौना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फरमाते थे कि बस मुसलमान इन मस्जिदों को अपना मरकज बना लें। क्या फरमाते थे क्यों इसलिए कि जितने फितने कयामत तक आने वाले हैं वो सबसे आखिर में मस्जिदों को पहुंचेंगे जब मुसलमान इन मस्जिदों को अपना मरकज बना लेंगे तो ये फितने मस्जिद आकर और फिर मुसलमानों में आते आते कयामत आ जाएगी यानी कयामत तक मुसलमान इस मस्जिद की बरकत से फितनों से महफूज इससे महफूज रहेंगे। कितने बड़े फितने लिया कयामत तक के लिए उसकी हिफाजत का एक रास्ता है तीन चीजें जमात को लाजिम पकड़ो उमूम के साथ रहो और मस्जिद को लाजिम पकड़ो इसको पॉपुलर तीन चीजें इसलिए मौलाना यूसुफ अली ने वाकया जमा किए ईमान की मजलिस से हजरत बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी से मुलाकात करते तो फरमाते आओ थोड़ी देर हम अपने रब पर ईमान लिया। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स से ये बात कही तो उन साहब को गुस्सा आ गया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप देखिए इब्ने रवाहा को कि वो आप पर जो हम ईमान ला चुके हैं उससे हटा करके एक घड़ी की और चंद मिनट की ईमान की हमें दावत दे रहे हैं तो आप पर मुस्तकिल ईमान लाए हुए हैं आज के मुसलमान है मुसलमान को भी यही धोखा लगा हुआ है मियाँ हमारे ऊपर क्या गश्त कर रहे जाओ दूसरों पर गश्त करो अजी दावत हमें क्यों दे रहे गैरों को दावत भूल गया मुसलमान कि ईमान की दावत ईमान के लिए है इस्लाम की दावत गैर के लिए इसकी दावत दावत है ईमान पहले ईमान के लिए और दावत इस्लाम तैयार के लिए। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्ने रवाहा पर रहम फरमाए इसलिए कि वो ऐसी मजलिसों से मोहब्बत करते हैं जिस पर फरिश्ते भी फखर करते हैं जिस पर फरिश्ते भी फखर करते हैं। एक रिवायत में अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक साथी से कहा कि आओ आओ ताकि हम ईमान थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए आओ थोड़ी देर के लिए हम ईमान ले आए तो उन्होंने कहा कि हम मोमिन नहीं है तो हज़रत इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्यों नहीं हम मोमिन तो हैं लेकिन हम अल्लाह का तज़किरा करें जिसकी वजह से हमारा ईमान में इजाफा हो जाए। एक रिवायत में अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों में से एक का हाथ पकड़ा और कहा कि उठो हमारे साथ ताकि हम थोड़ी देर के लिए ईमान लिया है ताज़ा कर लें
और हम जिक्र की मजलिस में बैठे थे। अब अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरा हाथ पकड़कर फरमाते हैं कि आओ हम थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए, इसलिए कि दिल उससे ज्यादा तेजी से पलट जाया करता है, दिल उससे ज्यादा तेजी से पलट जाता है ईमान से कुफ्र की तरफ, ईमान से कुफ्र की तरफ उससे ज्यादा, उस हांडी से ज्यादा तेजी से, उस हांडी से ज्यादा जितना के हांडी के अंदर की चीजें आखिरी उबाल के वक्त पलट जाया करते, हांडी जब उबलते उबलते उसका आखिरी उबाल होता है उसके अंदर की चीजें कितनी तेजी से पलटी खाती है, नीचे से ऊपर ऊपर से, उससे ज्यादा तेजी से दिल पलट जाता है। क्या मतलब? यानी ईमान के तस्करे करते रहो ताकि ईमान ही की कैफियत में हमारा दिल रहे, वरना ईमान कब, ईमान दिल हमारा कब ईमान से निफाक की तरफ पलट जाए, कहीं से यह पूर्व कयामत में होगा, सुबह मोमिनों का शाम तक काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन और शाम का काफिर। ये वजह बताई इब्ने रवाहा रजी अल्लाह अन्हु, आज मुसलमान ये सारी चीजें भुला जाते और समझ रहे आपका मोमिन है, ईमान की दावत निकल गई, ईमान का दावा पैदा हो गया, ईमान की दावत तो निकल गई और ईमान का दावा पैदा हो गया। एक रिवायत में अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु जब तो उससे कहते थे और बैठो कोई तेरा मुजाकिरा करे, हम बैठते और मुजाकिरा करते, फिर हजरत रवाहा कहते ईमान की मजलिस और ईमान की मिसाल देते, एक और मिसाल थी पहले तो ऊपर उबलते हुए हांडी और हांडी के अंदर की चीजों की पलटने से मिसाल दिल के पलटने को, या एक और चीज के जरिए तस्वीर थी क्योंकि हमारे दिल की हालत ऐसी और ईमान दिल के अंदर जो ईमान होता है उसकी हालत ऐसी होती है कि जिस तरीके से पहने हुए कपड़े को तुमने रख दिया उतार दिया या नीचे रखे हुए कपड़े को तुमने पहन लिया, क्या मतलब, यानी रखे हुए कपड़े को पहनने या पहने हुए कपड़े को नीचे रखने में कितना वक्त लगता है, उससे ज्यादा कम वक्त में ये दिल के अंदर की ईमान की कैफियत बदल देती है, उससे ज्यादा। अबू दर्र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दो आदमी का अपने साथियों में से हाथ पकड़ के फरमाते हैं हमारे साथ उठो ताकि ईमान हमारा हमारे ईमान में इजाफा हो जाए, फिर उसके बाद वो अल्लाह के तस्करे करते, इसके तस्करे करते मौलवी फरमाते थे मस्जिद अल्लाह के तस्करे होती है, जब मस्जिद में बैठ के अल्लाह के तस्करे करो तो सदर का ध्यान ना जाए, अगर सदर का ध्यान आ गया तो सदर और मच्छर में फर्क ना हो, अगर सदर और मच्छर में फर्क है तो तुम्हारे ईमान में फर्क है, तुम्हारे ईमान मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह की बड़ाई सराह होगी। हजरत अस्वद बिन हिलाल कहते हैं कि हम हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जा रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि बैठो हमारे साथ ताकि हम थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए, ईमान ताज़ा करें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। इमाम बदारी को आलम के अंदर जितनी भी हैं उन्हें मस्जिद नबवी के नक्शे पर आबाद करने की अल्लाह की तौफीक अता करे।